लोग अपने घरों में पौधे लगाना काफी पसंद करते हैं। कहते हैं पौधों के आसपास होने से एक पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। लोग इन पौधों की खूब देखभाल करते हैं ताकि ये सूखे नहीं और हमेशा ठीक रहे। लेकिन आम तौर पर देखने को मिलता है कि ये पौधे मुरझा या सूख जाते हैं। ऐसे में लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो कुछ तरीकों को अपनाकर अपने मुरझा रहे पौधों को फिर से एक नई जान दे सकते हैं। तो चलिए इन तरीकों के बारे में जानते हैं। गुड़ाई करते रहें। अगर आप चाहते हैं कि आपके मुरझा रहे पौधे हरे भरे हो जाए तो इसके लिए जरूरी है कि समय समय पर गमले की मिट्टी की गुड़ाई करें और उसमें पानी डालें। ऐसा करने से मुरझा रहे पौधों को नई जान मिल सकती है। खाद और अच्छी मिट्टी है जरूरी। पौधे हमेशा सही रहें इसके लिए जरूरी है कि गमले में अच्छी क्वालिटी की खाद या मिट्टी हो। उपजाऊ और उर्वरा शक्ति वाली मिट्टी में पौधों का विकास तेजी से होता है, इसलिए सबसे अच्छी मिट्टी या पॉटिंग मिक्स में पौधे लगाएं। पानी देना ना भूलें। मुरझाते पौधों के लिए एक चीज और सबसे ज्यादा जरूरी चीज यह है कि उन्हें पानी देना। जिस तरह मनुष्य को जिंदा रहने के लिए खाने पीने की जरूरत होती है, ठीक उसी तरह पौधों को पानी चाहिए होता है। इसलिए रोजाना पौधों की जरूरत के अनुसार उन्हें पानी जरूर दें। कटाई छटाई है जरूरी। समय समय पर पौधों की कटाई छटाई करना भी जरूरी होता है। पौधे गर्मी या कोहरे और ठंडी हवाओं में भी मुरझा जाते हैं, इसलिए आपको करना ये है कि मुरझाई और खराब पत्तियों और टहनियों को हटा दें। तो ये थी कुछ टिप्स जिनका उपयोग करके आप अपने मुरझा रहे पौधों को फिर से हरा भरा बना सकते हैं। तो यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।